नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार NIOS की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम आपके कोर्स कोड संख्या 504504 गणित का शिक्षण शास्त्र या गणित का अध्यापन कैसे करते हैं, इसमें हम आज बात करेंगे कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में सृजनात्मकता के विकास के लिए फील्ड विजिट क्या है, उसकी क्या उपयोगिता है, उसका क्या महत्व है और उसे कैसे आयोजित करते हैं। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर इस्पाल सिंह जी, जो कि MJP रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में। सर, NIOS की स्टूडियो में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जैसा कि हमने इससे पहले चर्चा की कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्राथमिक स्तर पर बच्चों में सृजनात्मकता के विकास के लिए फील्ड विजिट का प्रयोग कैसे करें, तो इस टॉपिक पर आगे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि सृजनात्मकता क्या होती है। सृजनात्मकता का जहां तक सवाल है, इसका अर्थ है कि कोई ऐसा उत्पाद या कोई ऐसा विचार जो पहले से मौजूद ना रहा हो। इसमें आम तौर पर हम एक गणित के समीकरण के रूप में इसको अगर प्रस्तुत करने की कोशिश करें तो इसको हम मूल्यवान प्लस नवीनता प्लस मौलिकता के रूप में देखते हैं। अच्छा, मूल्यवान प्लस नवीनता एवं मौलिकता इज इक्वल टू सृजनात्मकता। जी जी। तो इसमें जहाँ तक बात है कि मूल्यवान मतलब जो सोसाइटी के लिए मतलब राष्ट्र के लिए जो कुछ भी मूल्यवान है, वो उस ऐसा कुछ अगर आप सृजित करते हैं, ऐसा कुछ आप बनाते हैं, तो वो सृजनात्मकता का हिस्सा है। पर साथ ही साथ उसमें दो और चीज़ें भी अनिवार्य रूप से जुड़ी होनी चाहिए कि पहली तो बात यह कि वो नवीन हो और दूसरा ये कि वो मौलिक हो, ओरिजिनल हो। अगर ये तीनों चीज़ें किसी विचार में, किसी प्रोडक्ट में, किसी उत्पाद में शामिल हैं तो हम कहते हैं कि वो सृजनात्मकता का एक उत्पाद है, सृजनशील उत्पाद है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण है वो बदलता है। व्यक्ति दुनिया को जिस ढंग से देखता है, दुनिया प्रत्यक्षीकरण से मेरा मतलब है कि दुनिया को आपको देखने का जो आपका नजरिया है, जो दृष्टिकोण है, आप किस तरह से उसको परसीव करते हैं, कैसे आप प्रत्यक्षीकरण कैसे करते हैं दुनिया को, वो अगर आपका जो है सृजनात्मकता में बदलता है तभी सृजनात्मकता घटित होती है। इसके अलावा इसमें यह होता है कि आप छुपे हुए तथ्यों और तरीकों की खोज करते हैं जो पहले से उपलब्ध नहीं, जो पहले से जानकारी में नहीं है। साथ ही साथ इसमें ये भी हम करते हैं कि असंबंधित से जो वैसे दिखाई पड़ता है, हमको सामान्य रूप से दिखता है कि इसमें आपस में दो कोई ऐसी दो चीज़ें जिनमें आपस में कोई संबंध दिखाई नहीं पड़ता है, किंतु वास्तव में उसमें हम एक संबंध अगर स्थापित कर लेते हैं जो पहले से कभी नहीं पाया गया, पहले कभी मौजूद नहीं रहा, तो ये भी एक प्रकार की सृजनात्मकता है। साथ ही साथ ये भी है कि अगर कुछ ऐसी समस्याएं हैं, दो तरह की समस्याएं होती हैं, या तो ऐसी होती हैं कि जिनका कोई समाधान है या ऐसी हैं कि जिनका समाधान पहले से कोई उपलब्ध नहीं है। अगर पहले से जिनका समाधान उपलब्ध है उसका कोई आप ऐसा समाधान खोजते हैं जो पहले से उपलब्ध नहीं है, या फिर ऐसी समस्या जिसका समाधान पहले से उपलब्ध नहीं आप उसका समाधान खोजते हैं, तो ये भी सृजनात्मकता है। इस सृजनात्मकता के क्षेत्र में टॉरेंस का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, ई पॉल टॉरेंस का। उनके अनुसार इसके चार तत्व होते हैं जिसमें तीन तो अनिवार्य हैं और चौथा आमतौर पर पाया जाता है, कभी कभार मिसिंग भी होता है, कभी कभार नहीं भी होता है। इसमें पहला है फ्लुएंसी सहजता, दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन, तीसरा है ओरिजिनलिटी मौलिकता और चौथा है एलेबोरेशन या विस्तार। तो ये चारों चीज़ें जब मिलती हैं तभी कोई उत्पाद या कोई विचार क्रिएटिव होता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो एक वेबसाइट पर मुझे अच्छी सी परिभाषा प्राप्त हुई जो मैं आपसे उसका साझा करना चाहूँगा, जिसमें ये कहा गया कि सृजनात्मकता नवीन एवं कल्पनाशील विचारों को वास्तविकता में बदलने का कार्य है। सृजनात्मकता विश्व को नए तरीकों से देखने की, छुपे हुए प्रतिरूपों को, पैटर्न्स को खोजने की, प्रत्यक्ष रूप में असंबंधित दिख रही परिघटनाओं में संबंध स्थापित करने तथा नवीन हल खोजने की योग्यता से परिभाषित होती है। सृजनात्मकता में दो प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, सोचना और उत्पादित करना। क्रिएटिविटी इज द एक्ट ऑफ टर्निंग न्यू एंड इमेजिनेटिव आइडियाज इनटू रियलिटी। क्रिएटिविटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एबिलिटी टू परसीव द वर्ल्ड इन न्यू वेज, टू फाइंड हिडन पैटर्न्स, टू मेक कनेक्शंस बिटवीन सीमिंगली अनरिलेटेड फिनामिना, थिंकिंग देन प्रोड्यूसिंग। यहाँ देने की ये वेबसाइट है creativityatwork.com।
वहाँ पर ये परिभाषा मुझे प्राप्त हुई। अच्छा, इस तो, पर अगर विद्यार्थी चाहें तो और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हाँ हाँ, इस पर क्रिएटिविटी के बारे में काफ़ी कुछ दिया हुआ है जो विद्यार्थी उसको वहाँ से देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान देने की है इस परिभाषा में कि कई सोचना भर काफ़ी नहीं है। अच्छा, केवल सोचने को हम सृजनशीलता नहीं कहेंगे। नहीं कर सकते। आपने कुछ नवीन सोचा है तो उतना भर सृजनशीलता नहीं है। जो आपने नवीन सोचा है उसके आधार पर कुछ आप उत्पादित करते हैं तो वो उत्पाद आपकी सृजनशीलता को पूर्ण करता है। केवल सोचना जो है वो सृजनशीलता नहीं है। कहने का मतलब है कि सिर्फ सोचना सृजनशीलता नहीं हो सकती, नहीं कुछ ना कुछ होती, उसका आउटपुट जरूर दिखना चाहिए, होना चाहिए। जी। इसी की एक और परिभाषा रॉबर्ट ई फ्रैंकन ने दी हुई है, जो कहते हैं कि सृजनात्मकता को समस्याओं को हल करने, दूसरों से संवाद स्थापित करने तथा स्वयं व दूसरों को मनोरंजन प्रदान करने में लाभदायक हो सकने वाले विचारों, विकल्पों तथा संभावनाओं को उत्पन्न करने या पहचानने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्रिएटिविटी इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी टू जनरेट और रिकोगनाइज आइडियाज, अल्टरनेटिवज आर पॉसिबिलिटीज दैट मे बी यूजफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेटिंग विद अदर्स एंड इंटरटेनिंग अवरसेल्व्स एंड अदर्स। इस परिभाषा की खासियत यह कि इसमें दो चीज़ें दी हुई हैं, सृजनात्मकता की परिभाषा उसके कार्य के रूप, क्रिया रूप में दी हुई है, साथ ही साथ उसके उद्देश्यों की भी चर्चा की गई है। जैसे पहला जो पार्ट है इसका, जो पहला हिस्सा है, वो कहता है कि समस्याओं को हल करने, दूसरों से संवाद स्थापित करने तथा स्वयं व दूसरों को मनोरंजन प्रदान करने में, इन इस पर्पज से जो एक्टिविटी होती हैं वो सृजनशील क्रियाएं समझी जाती, मानी जाती हैं। और इसमें क्या क्या हो सकता है, विचार हो सकते हैं, विकल्प हो सकते हैं, संभावनाएं हो सकती हैं, आप उनको उत्पन्न कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। इस तरह से सृजनात्मकता को समझा जा सकता है। जी धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा बताया कि सृजनात्मकता क्या होती है और इसके मुख्य अवयव क्या क्या हैं। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपने दर्शकों की ओर से मैं जानना चाहूँगा कि सृजनात्मकता के विकास के लिए प्राथमिक स्तर पर फील्ड विजिट क्या होती है, इसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। जी, क्षेत्र भ्रमण या फील्ड विजिट की जहाँ तक बात है, तो गणित के अध्यापन में इसका एक महत्वपूर्ण अंग, महत्वपूर्ण भूमिका है, महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है। यद्यपि कई बार इसको विज्ञान में ज़्यादा ध्यान में लाते हैं या भूगोल या इस तरीके के विषयों से ज़्यादा हम लोग जोड़ते हैं, जो पर मुझे लगता है सर कि क्षेत्र भ्रमण की उपयोगिता लगभग कई सारे सब्जेक्ट में, विज्ञान विषयों में भी, भूगोल में भी, जियोलॉजी वगैरह में, बहुत सारे सब्जेक्ट में है। जी जी, तो गणित में इसकी क्या उपयोगिता है, इस पर हम, पर ये हम लोग, हमारे गणित के अध्यापक कई बार इस चीज़ को थोड़ा महत्व कम देते हैं। उनको लगता है कि गणित जो है वो विद्यालय से बाहर जाकर करने की जैसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी एक अवधारणा है, पर ये पूरी तरीके से गलत अवधारणा है। क्षेत्र भ्रमण की जहाँ तक बात है, फील्ड स्टडी की जहाँ तक बात है, इसका सीधा सा अर्थ है कि आप कक्षा कक्ष से, विद्यालय से बाहर कहीं जा रहे हैं और कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो गणित में भी, अन्य विषयों की भांति गणित में भी ये बहुत उपयोगी विधि है अधिगम की। इसमें निश्चित रूप से हमें विद्यालय और कक्षा से बाहर जाना होता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक बच्चे कक्षा में और विद्यालय में एक सीमा में बंधे रहते हैं, पर एक बंधन सा महसूस करते हैं। जैसे ही वो कक्षा और विद्यालय से बाहर जाते हैं तो उनमें एक आज़ादी की भावना आती है, और आज़ादी की भावना अपने आप में बहुत प्रोडक्टिव, बहुत बिल्कुल उत्पादक बिल्कुल होती है। तो उससे अधिगम जो है वो काफ़ी फैसिलिटेट होता है, उसको काफ़ी लाभ होता है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब हम क्षेत्र भ्रमण पर बाहर जाते हैं तो बाहर जो है वो जीवन है, अपने सही अर्थ में जीवन दिखाई पड़ता है। तो जीवन को जब हम देखते हैं तो जीवन में गणित की जो आवश्यकता है उससे आपका परिचय होता है। वो कक्षा में आप उसको किताब के तौर पर, सिद्धांत के तौर पर देखते हैं, पर बाहर निकल करके आप उसको जीवन के रूप में देखते हैं, जो एक बड़ा बदलाव है, प्रत्यक्षीकरण में बदलाव, जिसको हम सृजनात्मकता के अर्थ में बात कह रहे थे कि सृजनात्मकता क्या है, कि आप प्रत्यक्षीकरण में बदलाव है, चीज़ों को देखने के नज़रिए में बदलाव है। तो जब आप बाहर जाते हैं तो किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के बाहर जब चीज़ों को देखते हैं और उसमें जो भी सम्मिलित गणित का संप्रत्यय है उसको समझने की, जानने की कोशिश करते हैं, तो आपका जो नज़रिया है वो बदलता है और यहाँ से सृजनात्मकता उत्पन्न होती है। कहने का मतलब शायद आपका ये है कि वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में गणित सीखने में हमें ये
फील्ड विजिट मदद करती है। इसकी शिक्षण तकनीक के रूप में इसकी जो शुरुआत की गई, जो प्रस्तुत किया, वो जॉर्ज सिलिवियर थे और ये 1827 में प्रस्तुत की गई थी। काफ़ी लगभग 200 साल होने जा रहे हैं जब ये तकनीक प्रस्तुत की गई थी, तब से इसका विभिन्न विषयों में व्यापक इस्तेमाल हो रहा है। बहुत पुरानी विधि है, बहुत पुरानी विधि है। गणित में जरूर इसका अभी उतना उपयोग कम से कम हमारे देश में नहीं हो पा रहा है जितना कि होना चाहिए, लेकिन जितना वांछित है, लेकिन धीरे धीरे अब बढ़ रहा है, इसका बढ़ रहा है और बढ़ना चाहिए। जी, इसके अगर अर्थ की बात करें, परिभाषा के तौर पर अगर बात करें, तो क्षेत्र भ्रमण नियमित कक्षा से बाहर किसी स्थान की यात्रा है जो कुछ निश्चित उद्देश्यों जो किन्हीं अन्य उपायों से प्राप्त नहीं किए जा सकते को प्राप्त करने के लिए आयोजित की जाती है। इसका उपयोग अधिकांशतः विद्यार्थियों को किसी शिक्षण अधिगम संप्रत्यय के वास्तविक जीवन अनुभव को प्रदान करने के लिए किया जाता है। ए फील्ड ट्रिप इज ए विजिट टू ए प्लेस आउटसाइड द रेगुलर क्लासरूम विच इज डिजाइन टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स विच कैन नॉट बी अचीव बाई यूजिंग अदर मीन्स। इट इज यूज मोस्टली टू प्रोवाइड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेज ऑफ ए टीचिंग लर्निंग कॉन्सेप्ट टू द स्टूडेंट्स। इसका आयोजन करने की जहां तक बात है, हाँ, तो उसमें कुछ निश्चित रूप से कुछ निश्चित पद सम्मिलित होते हैं जिनके माध्यम से इसको आयोजित किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो क्षेत्र भ्रमण है वो ये नहीं है कि कभी भी उठे और निकल लिए बच्चों को लेकर के, चलिए कहीं ये फलां जगह चलते हैं या उस जगह चलते हैं और वहाँ से हम देख लेते हैं कि हम क्या सीख सकते हैं, ऐसा नहीं होता। ये बड़ी नियोजित होती है, बड़ी प्लान्ड तरीके से की जाती है और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपके उद्देश्य से पहले से स्पष्ट होने चाहिए जी, कि किस उद्देश्य से आप जा रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण पर जा रहे हैं। तो ये उद्देश्य केंद्रित क्रिया है, उद्देश्य केंद्रित विधि है, ये विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत होती है और इसकी पूरी तैयारियां पहले से की जानी जरूरी होती हैं। इन तैयारियों में ये है कि कई प्रकार की अनुमतियां प्राप्त करनी होती हैं। आप बच्चों को बाहर ले जाना चाह रहे हैं तो बिना प्रधानाचार्य के, बिना प्रबंधन की अनुमति के आप बच्चों को बाहर नहीं ले जा सकते, अभिभावकों की भी अनुमति आवश्यक होती है। तो ये सब प्रकार की अनुमतियां आपको बिफोर हैंड सबसे पहले ही प्राप्त करके रखनी होती है जाने से पहले। साथ ही साथ किस साधन से जाएंगे आप, आपके विद्यालय का वाहन आप यूज करेंगे, विद्यालय के वाहन का प्रयोग करेंगे या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप कौन सा साधन इस्तेमाल करेंगे, वो सब चीज़ें भी आपको पहले से प्लान करनी पड़ती हैं, तय करनी पड़ती हैं। इसके अलावा ये तय करना पड़ता है कि आपकी यात्रा की अवधि क्या होगी, ये 4 घंटे की होगी या 4 दिन की होगी या 1 हफ्ते की होगी, जैसा ये निर्भर करता है कि आपका उद्देश्य कैसा है और आप कहाँ जा रहे हैं और आप क्या करना चाहते हैं, उसके अनुसार इसकी अवधि भी आपको पहले से तय करनी पड़ती है। एक बहुत महत्वपूर्ण तैयारी जो आपको पहले से करनी पड़ती है, जो बहुत आवश्यक है, वो है व्यवहार की। पैसा बहुत कीमती चीज़ है, पैसा कितना खर्च करना है ये हमेशा इसकी सीमाएं होती हैं। विद्यालय प्रबंधन भी आपका इस पे बहुत ध्यान देता है कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं और निश्चित रूप से अगर आप ये सोचते हैं कि बच्चों से उसका कलेक्शन करा लें, बच्चों से तो अभिभावकों को भी आप अधिक भार नहीं डाल सकते, तो निश्चित रूप से पैसा एक महत्वपूर्ण मसला है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। बहुत अधिक व्यय भार जिसमें सम्मिलित हो, ऐसी क्षेत्र भ्रमण, ऐसी फील्ड स्टडी नहीं की जानी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। फिर उसी में आपका कहाँ भोजन कराया जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य से बहुत जुड़ा हुआ है भोजन, बच्चों का हित, स्वास्थ्य बहुत महत्व रखता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कहाँ भोजन कराएं जो कि शुद्ध भोजन हो सके, बच्चों के लिए उनकी रुचि के अनुसार मिल सके, वो सब चीज़ें आपको पहले से प्लान करनी पड़ती हैं। कहाँ ठहरेंगे जी, अगर आप ठहराव इन्वॉल्व है उसमें, आपका ठहराव अगर सम्मिलित है, मान लीजिए अगर आपका एक दिन से अधिक की विजिट है, अगर सुबह जाके शाम को लौट रहे हैं तब तो ठहरने का आपका प्रश्न नहीं उठता, लेकिन अगर आप ज़्यादा समय के लिए जा रहे हैं तो ठहरने का भी आपको व्यवस्था देखनी पड़ती, करनी पड़ती है, और उसमें सब कंसिडरेशंस जो हैं कि आपको मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से सुटेबल हो, उपयुक्त हो, वो सब भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। फिर उपकरण आदि भी तैयार करने पड़ते हैं। आप ऐसे सीधे नहीं जा सकते कि आप, चूंकि आपका एक उद्देश्य है तो उससे उद्देश्य संबंधित आप उपकरण, क्या आपको कैमरा चाहिए होगा, आपको फोटोग्राफ के लिए, वीडियो के लिए चाहिए होगा, साथ में आपको कुछ नोट्स बनाने होंगे, उसके लिए आप एक प्रश्नावली तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो भी उपकरण तैयार करने हैं वो भी आपको बिफोर हैंड सबसे पहले करके रखने पड़ते हैं। इसके अलावा एक काम और बहुत महत्वपूर्ण है, भ्रमण पर जाने से पहले एक भ्रमण पूर्व चर्चा बहुत आवश्यक होती है। अच्छा, अच्छा। और ये भ्रमण पूर्व चर्चा जो है वो अध्यापक बच्चों के साथ करता है। जिन बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर जाना है उन बच्चों के साथ बैठ करके अध्यापक जो है क्षेत्र भ्रमण पर चर्चा करता है। इसमें क्षेत्र भ्रमण का उद्देश्य का स्पष्टीकरण देता है वो, कि क्या उद्देश्य जिसके लिए जा रहे हैं,
कार्य का स्पष्टीकरण देता है कि कौन सा कार्य जो है वो करेंगे वहाँ जा विद्यार्थी, क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, पूरी योजना जो है बच्चों से शेयर की जाती है, उनसे उसकी साझेदारी की जाती है और क्या क्या नियम होंगे। नियम बनाने बड़े ज़रूरी होते हैं कि आपको आप जब जा रहे हैं तो बच्चों के स्वास्थ्य के आपको दुर्घटना वगैरह से बचाना है, आपको कई तरीके की आपको चुनौतियाँ रहती हैं जब आप छोटे बच्चों को लेकर के बाहर जा रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर हम बात कर रहे हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चे छोटे बच्चे होते हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो उन बच्चों को आप बाहर ले जाते हैं तो कुछ निश्चित नियम आपको पहले से बच्चों को बता देने कि भाई ऐसा नहीं करना है, बस में बैठेंगे तो हाथ बाहर नहीं निकालेंगे कोई भी, आप बस से उतरेंगे तो एक सीरीज में एक लाइन में चलेंगे, या इस तरीके की चीज़ें जो आसानी पैदा करें। और लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप ऐसा नियम बना दें कि बच्चों को गला ही घुटने लग जाए, वो भी आपको ध्यान रखना। हाँ, ये ध्यान रखना होगा कि बच्चों की स्वतंत्रता का हनन न हो जाए, बच्चों की स्वतंत्रता न छिन जाए। ऑन द अदर हैंड हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि बच्चों को कोई नुकसान ना हो। जी जी बिल्कुल जी। अब इसके बाद आता है सवाल भ्रमण पर जाने का। तो जब भ्रमण पर जाते हैं तो जो भी हमने तैयारियां कर रखी हैं उनको अमल में लाना है, नोट्स तैयार करना है, वो विद्यार्थी भी करते हैं, आमतौर पर विद्यार्थी ही करते हैं पर कई बार शिक्षक भी करते हैं, जिससे कि बाद में जब उसका मूल्यांकन करने का स्तर आएगा या आवश्यकता आएगी तो अध्यापक अपने नोट्स से उससे मदद ले सकता है। मुझे लगता है सर कि जैसा आपने कहा कि अध्यापक भी करता है, मुझे लगता है कि अध्यापक वो भी करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अध्यापक एक रोल मॉडल की तरह अगर वहाँ पे वो नोट्स इकट्ठे करता है जी, तो विद्यार्थी भी प्रेरित होंगे। बिल्कुल, वो भी नोट उसमें कई लाभ हो जाते हैं। अध्यापक के नोट्स तैयार करने से क्या होता है, एक तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है, बच्चे हैं बच्चों का उस स्तर उतना नहीं होता, कई बार वो कुछ चीज़ें प्रत्यक्षीकरण कुछ चीज़ों का बच्चे नहीं कर पाते पर अध्यापक जिनका कर सकता है, तो इसलिए टीचर के नोट्स जो हैं वो बच्चों को प्रेरित करने में, बच्चों को केवल प्रेरित करने में ही नहीं काम में आते, वो इस काम में भी आते कि बाद में जब आप रिपोर्ट तैयार करेंगे तो शिक्षक अपने सुझाव दे सकता है कि भाई ये पहलू आपने देखा था पर आपने नहीं ध्यान दिया था, आप इसको नोट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ फोटोग्राफ्स वगैरह लेने होते हैं, वीडियोज बनाने होते हैं जो बाद में आपके काम आते हैं, प्रश्न पूछते हैं बच्चे दौरान में, जब आप क्षेत्र भ्रमण के दौरान बच्चे पूछते हैं सर ये क्या है, तो उनका प्रश्न पूछते हैं बच्चे, आपको उनकी व्याख्या करनी होती है, जवाब देने होते हैं, काठिन्य निवारण जिसे हम कहते हैं वो काठिन्य निवारण करना होता है। इसके जब भ्रमण पूरा हो जाता है, भ्रमण से आप वापस आ जाते हैं तो उसके बाद भी कई सारी क्रियाएं होती हैं जो इसमें की जाती हैं, जिनको हम भ्रमण उपरांत क्रियाएं कहते हैं, जिनमें क्या होता है कि आप अनुभवों को साझा करते हैं, शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर के अनुभवों को साझा करते हैं, ये अनुभवों को साझा करना मौखिक रूप में भी हो सकता है, लिखित रूप में भी हो सकता है, रिपोर्ट तैयार करते हैं कराते हैं। इसके अलावा धन्यवाद पत्र भिजवाना बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है इसका, कि आप जहाँ गए वहाँ से संबंधित जिन लोगों से आपने सहयोग लिया, अगर आप सबको धन्यवाद पत्र भेजते हैं तो भविष्य में जब आप क्षेत्र दोबारा जाएंगे जी जी तो उसका आपको ज़्यादा वेलकम मिलता है, ज़्यादा स्वागत आपका होता है और आपको ज़्यादा सहायता मिलती है। तो ये एक वैसे हो सकता है देखने में लगे कि धन्यवाद पत्र भिजवाना बड़ा फॉर्मल टाइप का है, पर वो आवश्यक होता है, करना चाहिए जी। आखिरी पद जो इसका आयोजन का होता है वो मूल्यांकन का होता है, कि जो भ्रमण से हमने प्राप्त किया उसका मूल्यांकन करें। तो इस मूल्यांकन का दो तीन पहलुओं में हम करते हैं मूल्यांकन, एक तो लक्ष्य प्राप्ति, जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए थे उद्देश्य प्राप्त हुए कि नहीं, वो प्राप्त हुए कि नहीं हुए, दूसरा जो हमने समय सोचा था उस समय में हमने चीज़ों को व्यवस्थित किया, मैनेज किया कि नहीं किया, और आखिरी चीज़ होती है कि सुधार हेतु सुझाव तैयार करना, कि अगली अगर ये विजिट हम करें तो अगली विजिट में हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं जिनसे और बेहतर नतीजे कैसे हम प्राप्त हो सके, कर सकें जी। तो ये इसके आयोजन का तरीका है। बहुत अच्छा आपने बताया डॉक्टर इस्पाल कि फील्ड विजिट को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, आरंभ से लेकर के उसके मूल्यांकन तक की समस्त प्रक्रिया आपने बहुत अच्छे से बताई। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि शिक्षण की जितनी भी विधियाँ हैं सबकी अपनी अपनी अच्छाइयाँ हैं, सबकी अपनी अपनी कमियाँ हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि गणित शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण की क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या उसकी सीमाएं हैं। जी अखिलेश जी, इसके लाभ तो बहुत सारे हैं जी, पर जैसा आपने कहा कि हर विधि की कुछ सीमाएं भी होती हैं तो सीमाएं भी हैं। पहले मैं इसके लाभों पर चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ जो इस विधि का है वो ये है कि गणित के प्रति अनुराग का विकास होता है इसमें, गणित के प्रति अनुराग में वृद्धि होती है इसमें। जब बाहर जाते हैं बच्चे तो
तो मैंने जैसे पहले बताया था कि स्वतंत्रता की भावना उनमें होती है, स्वतंत्र रूप से वो जाते हैं, तो उनका जो सीखने का वो जो रेडी टू लर्न वाली जो कंडीशन है, वो सीखने के लिए तैयारी वाली जो स्थिति है वो बेहतर होती है, और फिर वो जीवन के अनुभव से, साक्षात जीवन से सीखते हैं, तो निश्चित रूप से उनका सीखना ज़्यादा होता है, और निश्चित रूप से जब आप कुछ ज़्यादा प्राप्त करते हैं तो आपको और ज़्यादा प्राप्त करने की प्रेरणा प्राप्त होती है, और आपकी उस चीज़ से लगाव अनुराग भी बढ़ता है, तो गणित से अनुराग बढ़ता है। दूसरा ये कि गणित के लाभों से उनका परिचय होता है जो आमतौर पर नहीं हो पाता है। कक्षा कक्ष में आप भाषण देते हैं तो उससे उतना उनको नहीं पता लगता है, पर जब वो साक्षात देखते हैं अपनी आँखों से उस लाभ को, तो उसको वो ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं, ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो वो गणित के लाभों से परिचित कराती है भी, ये प्रेरणा देने में आसानी पैदा करती है। आप गणित के प्रति बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं इस विधि के माध्यम से, इसमें बहुत लाभ देती है ये विधि। इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण योगदान ये है कि अमूर्त संपत्तियों को सिखाने में बहुत सहायता करती है। हमारे गणित में जो अधिकांश जो संपत्तियां हैं वो अमूर्त होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप अगर ऐसे दिखाते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आते हैं। अमूर्त को आप बेसिकली मूर्त बना रहे हैं क्षेत्र भ्रमण के द्वारा, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इस विधि का। रुचि और उत्सुकता में वृद्धि होती है, बाहर जाने के नाम से ही बच्चे उत्साही हो जाते हैं, और चूंकि गणित जुड़ा हुआ है तो गणित के प्रति उनकी रुचि बढ़ती है, उनकी उत्सुकता बढ़ती है, उनकी अभिवृत्ति भी धनात्मक होती है गणित के प्रति बच्चों की। उनकी जो अभिवृत्ति है कि आप, हम सब जानते हैं कि गणित के प्रति बच्चे बड़ी जल्दी नकारात्मक अभिवृत्ति या दृष्टिकोण विकसित कर लेते कई बार, और उसको चेक करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए ये विधि बहुत लाभकर है। अच्छा, मैथमेटिक्स एंग्जाइटी जो गणित दुश्चिंता या गणित का भय जो है, मैथमेटिक्स फोबिया है, जी जी, उसके प्रभाव को कम करने के लिए बहुत सहायक क्षेत्र भ्रमण एक सहायक विधि, बहुत सहायक है। इसके अलावा ये एक और बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस विधि का ये कि सीखने के अवसरों की विभिन्नता प्रदान करती है। हम जानते हैं कि जितना विभिन्नता होगी उतना ही सृजनात्मकता बढ़ती है। आप एक सीधे एक फॉर्मेट में अगर आप सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो उसका उतना लाभ नहीं होता है। अगर आप अलग अलग फॉर्मेट्स यूज कर रहे हैं तो उसका लाभ होता है। अब क्षेत्र भ्रमण पूरी तरीके से भिन्न फॉर्मेट है, भिन्न तरीका है सीखने का, तो जब आप इससे इस्तेमाल में लाते हैं तो निश्चित रूप से बच्चों को इसका लाभ होता है, उनको सीखने के भिन्न प्रकार के अवसर प्राप्त होते हैं और उसको सीखना बढ़ता है। अभिभावकों में भी ये रुचि बढ़ाती है। जब बच्चा जा रहा है तो अभिभावक का कंसर्न बढ़ जाता है, विद्यालय भेजने में उनका अलग भाव होता है, विद्यालय से बाहर बच्चा जा रहा है तो शिक्षकों के साथ, तो उनका भाव अलग हो जाता है और उसमें वो कंसर्न फील करते हैं, तो जब उनको आपको समझाना पड़ता है, तो जब समझाना पड़ता है तो उसमें उनमें भी रुचि विकसित होती है, उनकी सहभागिता भी बढ़ती है। इसके अलावा ये सामाजिक चेतना व सामाजिकता का विकास करती है। आप बिल्कुल, बिल्कुल। विद्यालय से बाहर निकल रहे हैं तो आप समाज में जा रहे हैं, बच्चे एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, जी जी, और समाज में लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, जहां भी आप जा रहे हैं वहां समाज का हिस्सा है, तो आप उस समाज के हिस्से का पार्ट बन रहे हैं, आप पार्टिसिपेटरी भाग, मतलब उसमें भाग ले रहे हैं, सहभागिता कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सामाजिकता बढ़ती है और सामाजिक चेतना बढ़ती है। पाठ्यक्रम का विस्तार हो जाता है। आप कई बार आप क्षेत्र भ्रमण के लिए जो आपने उद्देश्य सोच के रखे हुए हैं, आप जब जाते हैं तो वहाँ केवल उतना ही नहीं होता, और जो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा उतना ही नहीं होता, उससे अधिक भी होता है, और जो उससे अधिक होता है वो बोनस होता है, तो वो पाठ्यक्रम का एक विस्तार आपको इस माध्यम से, इस विधि के माध्यम से प्राप्त होता है, और जो अधिगम इससे मिलता है क्षेत्र भ्रमण से, वो अधिक अर्थवत्तापूर्ण होता है, क्योंकि वो साक्षात अनुभव से सीखते हैं, तो इसलिए वो अधिक अर्थवत्तापूर्ण होता है, अनुभव से सीखना होता है इसमें, इसलिए वो अधिक अर्थवत्तापूर्ण अधिगम होता है। अब अगर इस विधि की हम सीमाओं की बात करें, तो सीमाओं में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि समय बहुत लगता है। बिल्कुल, क्षेत्र भ्रमण में गणित के अध्यापक का सबसे बड़ा उस पर जो दबाव होता है वो होता है कि पाठ्यक्रम पूर्ण करना है, निश्चित समावधि में पूर्ण करना है, जो कि इस विधि का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको, अगर आप सारे प्रकरण इसी विधि से पढ़ाना चाहेंगे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर आप उतना समय नहीं ला पाएंगे, आपके एकेडमिक ईयर में उतना समय नहीं हो सकता, तो समय ज़्यादा लगता है, श्रम भी ज़्यादा लगता है, व्यय भार भी, आप कई बार इतना व्यय हो जाता है कि आप उसका औचित्य नहीं सिद्ध कर सकते, तो व्यवहार का औचित्य भी ये सिद्ध करना कई बार मुश्किल होता है इस विधि में। सुरक्षा संबंधी चिंताएं, मैंने आपसे कहा था कि कितना भी आप तैयारियां कर लें, कितने भी आप प्रिकॉशन रखें, पर अगर कोई दुर्घटना हो गई तो एक छोटी सी दुर्घटना आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है, तो वो आपको बहुत, और छोटे बच्चों के साथ विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनके साथ कई गुना ज़्यादा चिंताएं जुड़ जाती हैं सुरक्षा को लेकर के। एक और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है कि सामान्यतया जो विद्यालय प्रबंधन है
वो इस तरीके की यात्राओं में रुचि नहीं लेते, बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लेते, उनकी अरुचि रहती है और कई बार असहयोग भी वो करते हैं, तो वो उनका सहयोग प्राप्त करना एक चैलेंज होता है, चुनौती होता है, सभी अध्यापक इस चीज़ में हमेशा सफल नहीं हो पाते। एक और चीज़ होती है जो इसमें जुड़ी हुई है कि आप किसी निश्चित उद्देश्य से फील्ड भ्रमण पर, क्षेत्र भ्रमण पर बच्चों को लेके गए हैं, लेकिन बच्चे जो हैं अगंभीर हो जाते हैं, सारे नहीं तो कुछ हो जाते हैं, वो अगंभीरता और उद्दंडता जो है उन बच्चों की, वो एक बड़ा इशू बन जाता है, बड़ा मसला बन जाता है, बड़ी चुनौती बन जाता है क्षेत्र भ्रमण के दौरान। इसके अलावा सुरक्षा से ही जुड़ा हुआ एक दूसरा मसला होता है जो इसमें गंभीर मामला होता है, जो सीमाओं में ही हम इसको गिनते हैं, कि चिकित्सा संबंधी चुनौतियां, पता लगा कि छोटे बच्चे हैं, बीमार हुए, किसी को कुछ बीमारी हो गई, किसी भी किस्म की छोटी या बड़ी, तो आपको चिकित्सा संबंधी चुनौतियां अक्सर इसमें सम्मिलित हो जाती हैं, उसको फेस करना पड़ता है। एक और दिक्कत इसकी है जो कि मैं बड़ी ही दिक्कत मानता हूँ, कि संसाधनों और उपलब्ध वो चयन है तो उपलब्ध क्षेत्रों की बड़ी सीमितता, गणित में गणित में इसके ज़्यादा लोकप्रिय ना हो पाने के पीछे बड़ा कारण ये है कि गणित में आप ये तय कर पाने में बहुत मुश्किलें महसूस करते हैं कि किस जगह आप बच्चों को ले जाएंगे जी, और संसाधनों की कमी भी रहती है, तो संसाधनों की कमी और चयन है तो उपलब्ध क्षेत्रों की जो कमी है वो एक बड़ी बाधा, बड़ी सीमा है इस विधि की। फिर भी अगर हम कहें तो ये विधि जो है वो एक भिन्न प्रकार का अनुभव है, एक प्रभावी विधि भी, कई बार बहुत प्रभावी विधि है, और इसका उचित चयन जो है वो बड़ा आवश्यक होता है कि आप क्षेत्र भ्रमण का उचित प्रकार से चयन करें, बड़ा ये बैकफायर भी कर सकती है, ये जरूरी होता है कि आप उचित क्षेत्र का चयन करें, उचित उद्देश्यों का चयन करें, उचित प्रकार से इसको आप आयोजित करें, अन्यथा की दशा में ये उतना लाभकर साबित नहीं हो सकती है। गणित के अध्यापक का विवेक बहुत महत्वपूर्ण मसला है इसमें, इस विधि को लागू करने में। दर्शकों, आज की कक्षा में हमने देखा कि सृजनात्मकता क्या होती है और प्राथमिक स्तर के बच्चों में सृजनात्मकता के विकास के लिए एक गणित शिक्षक को बच्चों को फील्ड विजिट पे ले जाना चाहिए। उस फील्ड विजिट क्या होती है, फील्ड विजिट का क्या महत्व होता है, फील्ड विजिट कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, फील्ड विजिट के दौरान क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए व्यक्ति को, खास करके गणित के शिक्षक को, और क्षेत्र भ्रमण या फील्ड विजिट के क्या क्या लाभ और क्या क्या सीमाएं हैं, इस पर बड़े अच्छे से प्रकाश डाला डॉक्टर यशपाल ने। डॉक्टर यशपाल, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार, एवं समस्त दर्शकों को भी नमस्कार एवं आभार। नमस्कार।